आज हम नेचर की रहस्यमय और अद्भुत रचनाओं के बारे में बात करने वाले हैं और टॉप्स आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स के बारे में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फैक्ट नंबर 5, ये आपको पेंटिंग देखने में लग सकती है, लेकिन बेटा मिनट, आप गलत सोच रहे हो। ये कोई पेंटिंग एंटिंग नहीं है, ये एक नेचर का कमाल है जो ब्लैक होल जैसा दिख रहा है आपको। यह बिल्डिंग यूनाइटेड स्टेट के टेक्सा में स्थित है। ये इंसान द्वारा न बनाकर टॉर्नेडो के चलते बना हुआ है। यह बिल्डिंग टॉप बिल्डिंगों में शामिल है। नंबर 4, आप कभी ना कभी तो लाइब्रेरी गए ही होंगे। वैसे लाइब्रेरी तो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं होती है, लेकिन गाइस आपने ऐसी लाइब्रेरी कभी नहीं देखी होगी। इस लाइब्रेरी को आर्किटेक्ट एडवर्ड टेनर ने 1897 में बनाया था, जो US के मिसूरी स्टेट में है। देखिए तो इस जाइंट बुकसेल लाइब्रेरी वॉल डिजाइन को, वाओ, अमेजिंग स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 3, आपको क्या लगता है कि क्यूबिक हाउस देखने के लिए होता है बस? लेकिन आपको बता दें, ये घर रहने के लिए भी है, बल्कि घर के अंदर 5-स्टार सुविधा भी मिलती है जो होटलों में मिलती है। ये क्यूबिक हाउस विजिटर के लोकप्रियता के लिए बनाया गया है और ये 45 एंगल डिग्री पर झुका हुआ है और इसको डिजाइन पैट बॉर्म आर्किटेक्चर ने किया था। क्यूबिक हाउस नेदरलैंड के रोटरडम सिटी में स्थित है। फैक्ट नंबर 2, आपने बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास तो देखा ही होगा। आप जानते होंगे कि उसकी कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट यानी केंद्र बिंदु में कितनी एनर्जी और हीट रहती है। लेकिन फैक्ट ये है कि बियर फ्रांस में एक ऐसी बिल्डिंग है जो पूरी तरह से सोलर फर्नेस की बनी हुई है। इस बिल्डिंग में 10,000 कॉन्सेंट्रेटेड मिरर लगाए गए हैं जो सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए लगाए गए हैं। फैक्ट नंबर 1, आपको ये मूवी का सीन जैसे लग रहा होगा, लेकिन ये एक म्यूजियम है। ये म्यूजियम की पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए इसको ऐसे डिजाइन किया गया है। लगता है कि आसमान से गिरा एक घर, ये दुनिया की सबसे विचित्र आर्किटेक्चर बिल्डिंग में से एक है। ये ऑस्ट्रिया में स्थित है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, और इसका नाम है। ये चैनल नया नया है तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। अभी इस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है तो आपको बहुत मजा आएगा। प्लीज लाइक द वीडियो।